क्या आपको पता है वर्ल्ड की टॉप कंपनीज के सीईओज मोस्टली इंडियंस क्यों होते हैं? वेल, हम में से बहुत सारे लोगों को इसका आंसर नहीं पता, और इसका आंसर जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है वो एक्चुअल में उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और जानेंगे कि वर्ल्ड की टॉप कंपनीज मोस्टली इंडियन सीईओज को हायर क्यों करती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल, क्या आपको पता है अमेरिका के बाद इंडियन सीईओज किसी और नेशनलिटी की अपेक्षा ग्लोबल कंपनीज में सबसे ज़्यादा हैं? और अगर हम बात करें इंडियन सीईओज को हायर करने की, तो एक थ्योरी ये निकल कर आती है कि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण ये एक बहुत बड़ा मार्केट है, और इन कंपनीज से इंडिया में काफ़ी सारा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है, जिसके चलते ग्लोबल कंपनीज मोस्टली इंडियन सीईओज को हायर करती है। वेल, अगर इंडिया इन प्रोडक्ट्स को बैन कर दे तो ग्लोबल कंपनीज इंडियन सीईओज को हायर करना बंद कर देगी। बट मैं इस थ्योरी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे इसका सेंस समझ में नहीं आया। इसके अलावा मुझे कुछ ऐसी थ्योरीज और मिली है जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं, और मैंने उनमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाले हैं जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए काफ़ी होंगे। तो चलिए उन पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। पॉइंट नंबर वन, क्या आपको पता है इंडियंस मोस्टली अपने वर्क के प्रति फ्लेक्सिबल होते हैं, जो कि अपनी जॉब प्रोफाइल के अलावा और दूसरे कामों को भी करते हैं। अगर मैं इसे एक एग्जांपल से समझाऊं, तो जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपका सीनियर आपकी जॉब प्रोफाइल के अलावा और दूसरे काम भी आपको देता है जिसे आपको करना पड़ता है। पॉइंट नंबर टू, जब इंडियंस किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वो उस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल होते हैं, जो कि उनके लिए एक की पॉइंट है। अगर मैं इसके कुछ एग्जाम्पल दूँ तो सुंदर पिचाई, जिन्होंने 2004 में गूगल एज अ मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया था और 2015 में वो गूगल के सीईओ बने। वहीं सत्या नडेला, जिन्होंने 1992 में माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया था और 2014 में वो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने। पॉइंट नंबर थ्री, एक सीईओ का वर्क मोस्टली अपने ऑफिस में बैठकर पूरा दिन अपने फाइल्स और प्रोजेक्ट्स में वर्क करना होता है, और इंडियंस में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो एक ही जगह पर बैठकर घंटों एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर फोर, एक सीईओ का अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति हम्बल होना ज़रूरी होता है। जनरली कुछ कंपनीज अपने एम्प्लॉय से स्ट्रिक्टली वर्क करवाती है बिना कोई रिवॉर्ड दिए, बट इंद्रा नुई, जो कि पेप्सिको की सीईओ रह चुकी हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हुए कहती हैं, आई वैल्यू यू एज अ पर्सन एंड आई नो दैट यू हैव लाइफ बियॉन्ड पेप्सिको एंड आई एम गोइंग टू रिस्पेक्ट यू फॉर योर एंटायर लाइफ। तो कुछ इस तरह इंडियन सीईओज ग्लोबल लेवल पर अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं। पॉइंट नंबर फाइव, द इंग्लिश लैंग्वेज। वेल, इंडियंस चाइनीज और जैपनीज के कंपेयर में इंग्लिश बहुत अच्छी और फ्लुएंट बोलते हैं। दूसरी कंट्रीज के लोग भले ही कितने इंटेलिजेंट क्यों ना हो, बट अगर वो वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करते समय एक अट्रैक्टिव वे यूज़ ना करें तो ये किसी काम का नहीं। पॉइंट नंबर सिक्स, इंडियंस मोस्टली अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज पर फोकस करते हैं और इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का ड्रीम रखते हैं। वेल, मैं यहाँ पर सत्या नडेला की एक बात बताऊँगा। जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के अपने सभी एम्प्लॉयज़ को जो फर्स्ट मेल किया था, तो लिखा था, वी नीड टू बिलीव इन इम्पॉसिबल एंड रिमूव द इम्प्रोबेबल। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि क्लियर करते हैं कि ग्लोबल कंपनीज मोस्टली इंडियन सीईओज को हायर क्यों करती है। बट क्या आपको पता है? वीडियो के एंड से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे टॉपिक से रिलेटेड एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है द मेड इन इंडिया मैनेजर। ये बुक 2018 में पब्लिश हुई थी, और अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। एट द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।